परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्रीयम ने महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खेड़ापति सरकार की जय। संत सतगुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानु ऋणवा सुयनम तनी जचार्यनम प्रणमानो जंतुहा सर्वदुखातीवो भवे तमम सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनंदन। अज्ञानतिमिराघास ज्ञान जयशलाकया चक्षुरनमीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लीलाक्षरब्दीशयन लक्ष्मी सहस्र लीलांबिः सर्वमानं कलानिधि चतुरभीष्व 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 त्रिभिस्तम षड्विजायते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। शिव जिनकी पुनीत पावन शिव
महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को आगरा के राजा मंडी क्षेत्र के इस पावन श्याम होटल प्रांगण में श्री राजेश साधना जी मेड़तवाल संपूर्ण मेड़तवाल परिवार की ओर से इस पुनीत कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहीं शिव शंकर की कृपा दया करुणा सागर भोलेनाथ की कृपा है, जिनकी कृपा से अपन सब भगवान की अविरल कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कौटि कौटि जन्म मनुष्य के निकल जाते हैं तब जाकर कहीं शिव पुराण की कथा मिल पाती है। मनुष्य देह पाल लेना एक अलग विषय है, पर मानव की देह पाकर भगवान की भक्ति में डूब जाना एक अलग विषय है। जन्म तो हो जाएगा मनुष्य का, पर मानव का शरीर मिलने पर भगवत भजन तो हो, भगवत नाम की शरणागति तो हो। ऐसी योनि जो बार बार जन्म लिया, फिर मर गए, फिर जन्मे, फिर मरे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटे और छूट कर भगवान की शरणागति में पड़ जावे तो फिर जन्म ना। कब तक जन्म ले? कलकत्ता में आया था कि भोगने के लिए कितने भी जन्म लेना पड़ सकता है, इसलिए अपनी नौकरी अपनी जो ड्यूटी है इसको पूरा करना और उसके बाद प्राण त्याग कर उस परमात्मा के धाम पर जाना तो फिर वापिस आने का काम ना रहे। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला है, बहुत प्रयास करो, माता के गर्भ में भी उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, विनती करी भगवान से कि मुझे इस कैद से बाहर निकालना। कोई देवताओं को भी अच्छा नहीं लगता पृथ्वी पर जन्म लेना, किसी देवता से जाकर कहा जाए कि आपको पृथ्वी पर जन्म लेना है मां के गर्भ से, तो साफ मना कर देंगे, हाथ जोड़ू मेरे को नहीं जन्म लेना। देवता भी जन्म नहीं लेना चाहते क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा नरक, दुनिया का सबसे बड़ा गर्भ माता का रक्त में मांस में लिप्त हुआ पड़ा रहना, वो भी कितने महीने, जम के बोलो 9 महीने तक। माँ तेज मिर्ची का भोजन करे तो ताप हो, गरम भोजन माँ कर ले तो ताप हो, नमक खा ले तो माँ के उस उदर में ताप हो। जीवन तो स्वयं भगवान भी कहते हैं मुझे पृथ्वी पर जन्म मत दे, भगवान कहते हैं मैं पृथ्वी पर जन्म नहीं लेना चाहता, मैं प्रकट नहीं होना चाहता, मुझे नहीं जानना, क्योंकि नरक भोगने का पहला ही क्रम चालू हो जाता है कि माता के गर्भ में पड़े हो तो भोगना पड़ेगा और उस गर्भ के नरक से बाहर निकलोगे तब फिर संसार के इन जीवों के बीच में रहकर
संसार के लोगों में रहकर अपनी जिंदगी निकालना बहुत कठिन है। एक बात बहुत थोड़ी सी कड़ी जरूर लगी, बोलो तो कह दूं, कह दूं, ठीक है। जब भगवान, छोटे से रूप में कहूंगा, आप उसमें कुत्ते में समझ जाना है, जब भगवान मनुष्य का बैंड बजा देता है तो फिर परिवार के लोग डीजे बन जाते हैं, समझना उस बात को। अर्थात किसी मनुष्य को जब दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो परिवार कुटुंब के लोग डीजे की गाड़ी बनकर उसका प्रचार करना प्रारंभ कर देते हैं कि इसको ये दुख आया, अच्छा हुआ, रो रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, उसके जितने विपरीत हो सकते हैं डीजे बनकर उतना उसका प्रचार करना चालू करते हैं। थोड़ा दुख होता है इस बात का, ईश्वर ने अगर किसी को कष्ट दिया है, दुख दिया है, तो उसके कर्म के अनुसार दिया। अभी एक त्योहार आने वाला है, मकर संक्रांति, खूब उड़ाएंगे लोग, क्या जम के बोलो, उड़ाएंगे भी और काटेंगे भी, बोलो सही है कि गलत है। ये मकर संक्रांति का तो दिन भगवान ने एक ही दिन बनाया है, मेरे कृष्ण ने, मेरे शंकर ने, मेरे राम ने, कि एक ही दिन उड़ा लो और एक ही दिन काट दो। और आज का मनुष्य तो दुनिया के लोगों की रोज की उड़ाता है और रोज उसको काटने का प्रयास करता है, प्रतिदिन की उड़ाता है। उसने अगर कहीं भोजन कर लिया तो उड़ा देंगे, बताओ वो तो उस ठेले के पास खड़ा था, उसने ऐसा भोजन कर लिया, उसने मांसाहार कर लिया, उसने ये वैश्यवृत्ति कर ली, उसने ये काम कर लिया, तो वो मकर संक्रांति का त्योहार क्यों बनाया गया? मकर संक्रांति का त्योहार किस लिए बनाया गया? क्यों बनाया ईश्वर ने? इस पतंग को उड़ाने के लिए क्यों बनाया? उसका कारण क्या था? दुनिया के लोग एक ही दिन पतंग क्यों उड़ा है? तो शास्त्र कहता है वो संसार के लोगों को एक दिन दे दिया गया कि तुम उड़ा भी लो और काट भी लो, उड़ाओ और काटो, एक ही दिन बहुत है। पर आज के जमाने में तो लोग रोज की किसी ना किसी की उड़ाते हैं और किसी ना किसी की काटते हैं, प्रतिदिन। पर सत्य बात तो यह है, पतंग कितनी भी ऊंची जाए पर डोर अगर उस मालिक के हाथ में है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है, फिर ना घबराए, उसके हाथ में। ओके, शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, आई आई में द्वारे तिहारी। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी कष्ट दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो।
चरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी में दर्शन आपो शंभो चरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया कर कर यही बात हो महाराज हम उड़ भी रहे हैं तो निवेदन है कि डोर तेरे हाथ में पड़ी रहे डोर तेरे हाथ